हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। आप इग्नू में कौन से प्रोग्राम को कर रहे हैं, इग्नू में आपने कब एडमिशन लिया है और आपके एडमिशन्स की वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो हो सकता है कि आपका जो एडमिशन का टाइमिंग है वो निकल जाए और फिर आपको री रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें करनी पड़े, री एडमिशन करना पड़े। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे वैलिडिटी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उसे देखने से पहले आपको अपनी आईडी पे जाके चेक इन ज़रूर करना होगा ये सारी चीज़ें कि मेरी पूरी डिटेल क्या है और मेरी एडमिशन्स की वैलिडिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अपनी स्टूडेंट आईडी पे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इनरोलमेंट नंबर प्लेस करने के साथ प्रोग्राम सेलेक्ट करें, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ प्लेस करें और चेक योर स्टेटस। ये बिल्कुल ही सेफ है, आप ignu.ac.in पे ही आके ये सारी चीज़ें चेक करें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन विच इज़ दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशंस। काफ़ी लोगों ने अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट गलत आया है। हॉल टिकट में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए आपका एनरोलमेंट नंबर सही, आपका डेट ऑफ बर्थ सही, उसी के साथ आपके सिग्नेचर, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और जी हाँ, उसी के साथ आप ये भी ज़रूर देखिए कि क्या जो आपका हॉल का आपका सेंटर है उसकी जो उसका जो एड्रेस है वो कंफर्म है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप हॉल टिकट को अपने साथ रखें। और इस अगर आपके हॉल टिकट में कोई सी दिक्कत है, मिसप्रिंट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसे आप ज़रूर ठीक करवा लें। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आपके साथ गलत हॉल टिकट आपको मिल गया है, तो फिर आप इसे ले जा करके आपके स्टडी सेंटर पे इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको ये पहले ही करके रखना होगा क्योंकि एग्जामिनेशंस के समय एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी और आपको एग्जामिनेशन से नहीं देने दिया जाएगा और एग्जामिनेशंस के सेंटर से आपको वापस आना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती। उसी के साथ आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट अपडेट बताने जा रही हूँ जो कि है आपके एग्जामिनेशंस के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशंस की तैयारी करना अभी शुरू किया है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी की फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप क्या 7 दिन में एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप पेपर को क्लियर कर लें? तो हाँ, ये पॉसिबल है। इग्नू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जिसके वजह से आप अच्छे मार्क्स लाते हो। आज इसी के बारे में आपको ये वीडियो बताऊंगी। वीडियो बहुत ही छोटी होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। नंबर वन, मैं काफ़ी समय से आपको सारी चीज़ें बताती आती हूँ कि किस तरीके से आपको परसेंटेज मिलते हैं, कितने बजट आपका कैलकुलेट होता है, ग्रेड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसी के साथ आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं ताकि आप जो है वो अच्छे मार्क्स ला सके और आप पास हो सके। आपको टॉप करना है तो आप साल भर पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते तो चाहे आप कितनी भी लंबी पढ़ाई कर लें आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पेपर में परफॉर्मेंस ज़रूरी है कि पेपर को आप किस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो क्वेश्चंस को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जैसी डिग्री के लिए एग्जामिनेशन देते हैं। हालांकि चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितने में आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, इन सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपका जो एग्जामिनेशंस का जो नंबर है वो अलग अलग होते हैं कि आपको उतने ही नंबर लाने होंगे। लेकिन चलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको शॉर्ट में समझा दूँ। बैचलर डिग्री के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर उनका पेपर 50 नंबर का है तो उन्हें 18 नंबर सिक्योर करने होंगे। ये मिनिमम मार्क्स है। अगर आप 18 नंबर ले आते हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर है तो आपको 35 नंबर लाने ही लाने हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपका पेपर 25 नंबर का है तो आपको 9 नंबर सिक्योर करना ही होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि असाइनमेंट में भी लोग फेल होते हैं। असाइनमेंट में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो असाइनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या फिर सही तरीके से असाइनमेंट को नहीं लिखते। असाइनमेंट के लिए पासिंग मार्क्स 35 नंबर होता है आउट ऑफ 100,
तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिए। अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट की, तो उनको 50 नंबर में 20 नंबर सिक्योर करने होंगे। 100 नंबर का पेपर है तो 40 मार्क्स यानी 40 नंबर सिक्योर करना होगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, इनका आपको कोई भी पुनः मूल्यांकन नहीं हो जाता, यानी री इवेल्यूशन आप कराना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि MCQ पेपर कुछ ऐसे पेपर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको कितने मार्क्स सिक्योर करना होता है। BA जनरल, BCOM जनरल, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया उतने ही मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से विद इन 7 डेज आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले अब आप प्रैक्टिस कीजिए पेपर को करने का। नंबर 1 कि आपको आंसर करना आना चाहिए, आपकी राइटिंग तेज होनी चाहिए। विद इन 3 आवर्स आपको जो है अपने सारे पेपर को करना होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि आपका पेपर जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। किसी किसी का पेपर 50 नंबर का होता है तो उसके लिए अलग टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, किसी का होता है 100 नंबर का तो उसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे रखा गया है। आंसर करने से पहले आपको देखना होगा कि कितने नंबर्स में यानी कितने वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। 500 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अब 500 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप काउंट करने बैठ जाए, एक एवरेज पेपर होता है उसमें कितने वर्ड्स आ सकते हैं आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए वैसे ही चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन आपको जितना कहा गया है उतना ही करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें तो आपको आपका पेपर क्लियर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जून 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे आ चुका है। प्रीवियस ईयर के बारे में बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि ये क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट भी इसे इग्नोर करते हैं। देखिए, इग्नू का सिलेबस पिछले कई सालों से यानी 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, इग्नू का जो सिलेबस है उतना चेंज नहीं हुआ, टॉपिक्स वही हैं, बुक्स वही हैं, तो आपको क्वेश्चन भी तो वही मिलेंगे ना। तो क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आप क्लियर कीजिए। आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक्स मेन मेन पढ़िए और खुद से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए स्टूडेंट, आपको इस समय कोई भी ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है, जैसे कि आप ये ना सोचें कि पेपर में हम कुछ भी लिख के आ जाएं। अगर आपका ग्राफिक टाइप का पेपर है, कहने का मतलब आपके ऐसे पेपर है जिसमें आपको कुछ ड्राइंग्स करनी होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग करके उसे शो करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ओवरऑल मेरा कहना बस इतना है कि आपकी तैयारी कितनी कितनी हो चुकी है और आपको होप है कि आप कितने परसेंट ला सकते हो, 100 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 50 में से आप कितने नंबर ला सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी वैलिडिटी के बारे में होगी कि वैलिडिटी कितनी से कितनी होनी चाहिए, और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक का बटन और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।